Days after the Ishrat Jaha fake encounter case charge sheet was filed, CBI Director Ranjit Sinha is now denying he gave a statement in an interview to a newspaper saying UPA would have been happy if former Gujarat Home Minister Amit Shah too had been charged in the case. Sinha said that he has been misquoted unfairly and completely out of context. He added the agency is an impartial and apolitical organization. The CBI had filed a supplementary charge sheet in the case on Thursday. However, the charge sheet in the case had not mentioned the name of former Gujarat Home Minister Amit Shah, who was then questioned by the agency. जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और इस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया अपने राजनीतिक हितों के लिए किया अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया वो एक के बाद एक उसका खुलासा देश के सामने आता रहा है अब धीरे धीरे ये बात देश के सामने भी साफ होने लगी है और सीबीआई भी कम से कम इस बदनामी के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश हो सकता है कर रही हो जो स्टेटमेंट आया है जिस तरीके से आया है आ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो एक सीबीआई डायरेक्टर जो इतनी ऑटोनोमी एंजॉय करते हैं और इतनी ऑटोनॉमी दी गई है कि उनकी फाइल तक कोई यूपीए सरकार के जो है अफसर वो भी नहीं देख सकते मिनिस्टर को तो बात छोड़िए तो भी ऐसा स्टेटमेंट किया ये रियली दुर्भाग्यपूर्ण है सबसे पहले सीबीआई के डायरेक्टर को रिजाइन करना चाहिए इस देश की इतनी बड़ी एजेंसी अगर इस तरह की बात करती है तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर वो रिजाइन करे उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि अभी तक आपने किस किस को खुश करने के लिए किस किस को बरी किया किसको छोड़ा और किसको अंदर लिया और मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर एफ दर्ज कराना चाहिए